राजपुर थाना प्रभारी विजय वर्मा की सक्रियता से ग्राम सालखेड़ा एवं रानगांव के बीच सड़क पर लूट की एक बड़ी वारदात होने से टल गई। एसडीओपी पदम सिंह बघेल ने बताया कि पुलिस के पास फरियादी योगेश पिता संजय पवार मालेगांव जिला नासिक महाराष्ट्र का अपनी पिकअप में राजपुर टमाटर भरने आ रहा था कि पीछे से एक लाल रंग की ऑल्टो कार ओवरटेक कर आगे निकली तथा पिकअप वाहन के सामने आकर खड़ी हो गई। रास्ता रोककर ऑल्टो कार में बैठे चार व्यक्ति महेश भिलाला, रोहित भिलाला, अश्विनी भिलाला, आशीष भिलाला सभी निवासी ग्राम मोरगन ने लोडिंग पिकअप की चाबी निकाल ली और शराब पीने के लिए 1500 रुपए मांगे। पैसे न देने पर पिकअप वाहन चालक की पिटाई कर दी और उसके पास रखे 300 रुपए उससे छीन लिए। पुलिस अधीक्षक बड़वानी के निर्देश में राजपुर पुलिस मौके पर पहुंची और चारों बदमाशों को रंगे हाथ पकड़ा। फरियादी योगेश पवार की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। चारों बदमाश पहले भी लोडिंग पिकअप वाहनों से शराब पीने के लिए पैसे छीनने की शिकायतें आई थी। पुलिस की तत्परता से बदमाश रंगे हाथ पकड़े गए। चार बदमाशों को गिरफ्त किया गया। दिनांक 10/10/2021 को 4 बजे शाम को ग्राम सालखेड़ा रणगांव के बीच सड़क पर पुलिया के पास फरियादी योगेश पिता संजय पवार ग्राम आजंदे थाना मालेगांव जिला महाराष्ट्र नासिक महाराष्ट्र का अपने पिकअप से टमाटर भरने राजपुर आ रहा था कि एक लाल रंग की अल्टो कार ओवरटेक करके पिकअप को रोकी और उसमें चार बदमाश बैठे थे। चारों बदमाश ने शराब पीने के लिए 1500 रुपये मांगे। फरियादी ने दिया तो उसके साथ गालियां दी और हाथ मुखों से मारपीट कर चाबी छीन ली। तो गाड़ी चाबी नहीं दी, कांच फोड़ने का प्रयास किया तो फरियादी के पास 300 रुपये दिए तब जाके छोड़ा। इसी दरमियान पुलिस सीमांत पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में पुलिस दबिश में जा रही थी तो चारों बदमाशों को रंगे हाथ पकड़ा और उनका बदमाशों का खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध करके अनुसंधान किया। टाइम 8 मध्य प्रदेश के राजपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।